एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग अभी आए हैं फ्रांस और कल हम यहाँ आए थे जर्मनी से ड्राइव करके पेरिस पहुँचे थे। पेरिस हमारा मेन स्टॉप नहीं है तो वहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया है। सिर्फ हम आईफिल टावर के अराउंड थोड़ा घूमे थे, कुछ फ़ोटोशूट्स किए थे, तो वो फ़ोटोज़ आप यहाँ देख लीजिए। आज का प्लान है, आज हम जा रहे हैं मॉन्ट सेंट मिकेल। तो हम लोग कर रहे हैं रोड ट्रिप नॉर्मंडी की और जो मेन स्टॉप है हमारा वो है मॉन्ट सेंट मिकेल, जहाँ हम आज निकले हैं पेरिस से। ये अराउंड 350 कुछ किलोमीटर है, तो 4 घंटे के अराउंड कुछ लगता है पेरिस से ड्राइव करके। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, तो ट्रेन मिलेगी आपको रेगनेस तक, फिर वहाँ से आपको शटल मिलेगी डायरेक्ट सब मॉन्ट सेंट मिकेल की। तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एज अ डे ट्रिप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रुकें। तो अगेन ट्रेन का ऑप्शन लेके खुद से कर सकते हैं या फिर गेट योर गाइड से टूर भी बुक कर सकते हैं, जो पेरिस से आपका पूरा मॉन्ट सेंट मिकेल तक का कवर्ड रहेगा। तो चलते हैं और देखते हैं मॉन्ट सेंट मिकेल, होपफुली हमें हाई और लो टाइड दोनों देखने को मिले। फाइनली पहुंच गए हैं सेंट मॉन्ट मिकेल, एग्जैक्टली वहाँ हमें नहीं पहुँचे हैं। अभी हम आए हैं एक जो बहुत ही फेमस इंस्टाग्रामेबल प्लेस है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन को अच्छे से कैप्चर करने के लिए उसके लिए आए हैं और इस वो आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। बट यहाँ पहुँचना कैसे है, यहाँ इस लोकेशन पर पहुँचने के लिए यहाँ पीछे है होटल ऑबजी, तो इस होटल का आप लोकेशन डाल सकते हैं और यहाँ तक आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर है अगर आपको वॉक करके आना है, या फिर आप ड्राइव करके आ रहे हैं तो इसके पास पार्क कर सकते हैं। और इसके जस्ट सामने वो है एक शीप फार्म, तो वो है सामने व्यू और ये शीप फार्म के एक्चुअली है यहाँ से ये दो लोग जा रहे हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और पीछे उधर काफ़ी लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो ये वो फेमस इंस्टाग्राम प्लेस है, तो चल कर अब इसे देखते हैं पास से। होटल सर्विस है, यहाँ से बस मिल जाएगी और उधर पूरा पार्किंग एरिया है, आधे घंटे तक की पार्किंग फ्री है। उसके ऊपर चार्जेस जो है वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके सीजन में आ रहे हैं, किस मंथ में आ रहे हैं। यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हैं, हम लोग मई एंड में आए हैं तो हमने 14 यूरो पार्किंग का पे किया। पार्किंग से लेके मॉन्ट सेंट मिकेल तक आप चाहें तो वॉक करके जा सकते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ जा रहे हैं, या फिर आप फ्री शटल सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब गए थे काफ़ी तेज़ धूप थी और बहुत गर्मी थी, तो हम लोगों ने बस लेना प्रेफर किया। हम सेंट मिकेल आ गए हैं, बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे अभी लो टाइड्स है तो पूरा खाली है, एकदम खाली नहीं है, हल्का हल्का पानी है, बट लोग आराम से घूम रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे तो हाई टाइड का टाइम मिस हो गया, बट एनीवे आज इतनी ज़्यादा हाई टाइड्स नहीं थी कि हमें यहाँ तक दिखे। और हाई टाइड्स के टाइम कई बार साल में इतनी ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं कि ये एंट्रेंस पूरी बंद हो जाती है और आप टाउन तक नहीं जा सकते हैं। अंदर इसके एक प्रॉपर टाउन बना हुआ है, तो अभी चलकर उसे देखते हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सामने एक छोटा सा गेट बना हुआ है जिसे आप एंटर करके अंदर जा सकते हैं, अंदर जाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से पूरा टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाकर व्यूज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये लो टाइड्स का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर ये अच्छा सा बीच एरिया बन जाता है, जो कि एक अच्छा फोटोग्राफी स्पॉट भी है।
पे रेस्टोरेंट्स भी है, खाने पीने के कुछ ऑप्शंस भी है। मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट भी है, 2018-19 मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट। अपर टाउन है ये, कंजेस्टेड भी है थोड़ी, नैरो लेन्स स्पेशली क्राउड के हिसाब से। सोविनियर शॉप्स वगैरह हैं, पोस्ट ऑफिस है, होटल्स है, अंदर रुक भी सकते हैं। हेलो गाइस, जय माता दी। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, बट ऐसे ही ऊपर चढ़ते जाओ और नारो लेन है, आजू बाजू सारे शॉप्स रेस्टोरेंट्स हैं, पूरा कमर्शलाइज्ड है। यूरो टिकट लिखा है यहाँ पे, प्राइस यहाँ से ले सकते हो अगर अभी जाना है तो, अदरवाइज इसी के साइड में ये है व्यू पॉइंट जहाँ हम अभी जा रहे हैं। ऊपर साइड से पूरा वॉक करके आए हैं घूमते हुए, अभी में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, और पर हमने वहाँ से पूरा राउंड लेते लेते यहाँ नीचे आए हैं। फाइनली ये एक पॉइंट पे आए हैं जो कि व्यू पॉइंट काइंड ऑफ है, तो यहाँ से ये पूरा ब्रिज दिख रहा है और वहाँ पे बसेस जो सीधा हमें ड्रॉप किया था, ये पूरा बीच एरिया दिख रहा है, हल्का हल्का हर जगह पानी दिख रहा है, लो टाइड से तो ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है, काफ़ी तेज़ धूप है तो फटाफट नीचे चलते हैं और छाव नीचे, बट यहाँ से पूरा अच्छा व्यू आ रहा है, जाएंगे तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत बहुत स्टीप रास्ता है तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे शूज़ पहन कर आओ ताकि कंफर्टेबली वॉक कर सको, ये बहुत ज़्यादा वॉक है। Give you an idea, steep stairs भी हैं और plain भी है। इट्स टाइम टू लीव और बस आपको पार्किंग के लिए वहीं से मिल जाएगी जहाँ पे आपको इनिशियली ड्रॉप किया था, जस्ट उसके अपोजिट साइड से ले सकते हैं। और देखिए कितनी लंबी क्यू लगी है, तो आप जितना लेट निकलेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्यू मिलेगी। एनीवे अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ नॉर्मेंडी रोड ट्रिप के, और आज रात हम जो स्टे करेंगे वो है ले हावरे में जो कि एक पोर्ट सिटी है, और वहाँ पे हम आज रात रुकेंगे और कल अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपको हमें दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अनटिल देन स्टे ट्यून्ड, और अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे आपको रास्ते में, यूनिक ब्रिजेस देखने को मिलेगा, तो आपकी ड्राइव बहुत ही अच्छी रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।